हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? शकरगर से अब्दुल कयूम बात कर रहा हूँ। अब्दुल कयूम जी, फरमाएं, क्या मसला है, क्या पूछना चाहते हैं? दरअसल मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा ना एक बकरा है, उसका कल से पेशाब रुक गया है। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने बोला इसके नफ्स में पथरी है। अच्छा, ये मसला चलो उन्होंने निकालने की कोशिश की है, पथरी थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं ये मसला जानना चाहता हूँ ये अब क्या करें इसका हल। किस तरह निकालने की कोशिश की है? निकाल रहे थे ना, खुदा के लिए, ओ खुदा के लिए, ओ खुदा के लिए, प्लीज लिखें, लास्ट सिक्स का टीके लें। वो भी लगाए हैं डॉक्टर, मैंने तकरीबन 4-5 लगा दिए हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं डॉक्टर, वो मैंने अभी चेक किया, लेकिन वो जहाँ थी वहाँ की वहीं है, आज तकरीबन 3रा दिन है उसको। नहीं तो पेशाब बिल्कुल ही नहीं निकल रहा, या थोड़ा थोड़ा आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। और कच्ची लस्सी में वो कलमी छोरा और जौखर डाला है? वो मैंने ना स्प्रे की बोतल में डाला है। नहीं नहीं, आप कल वो कर लें, उसमें कलमी छोरा और जौखर डाल के ना कच्ची लस्सी में वो इसको पिलाएं, वो इसको पिलाएं, ठीक है? और पिलाएंगे वो उससे, ये ड्रेंचर से पिलाना है, ये सीधा नहीं पिलाना हो, ये ना हो उसके फेफड़ों में चली जाए और जुबान ही पकड़नी, और इनको ड्रेंचर के जरिए वो पिलाएं, इंशाल्लाह ताला भी ठीक हो जाएगा, खुलेगा उसका पेशाब इंशाल्लाह। लास्ट सिक्स के टीके लगाएं। हाँ इंशाल्लाह, पथरी यार कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा पेशाब उसका, खारिज होगा इंशाल्लाह। तो जो कट वगैरह लगाते हैं उससे मसला बन जाएगा? उसने कट लगा दिया? नहीं अभी तो नहीं लगाया यार, किसी अच्छे से वेटरनरी डॉक्टर्स के पास चले जाएं, ले जाएं और ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये ऐसे नूरे डॉक्टरों के पास जाके उसको जाया ना करा दें। जी जी, ठीक है जी। अभी यानी कि कच्ची लस्सी में ये जो आपने बताया वो डालें? हाँ, मैं नमाज के बाद भी ना, अभी ये कच्ची लस्सी में कलमी छोरा, एक तोला कलमी छोरा ले लें, और एक तोला ही ले लें जौ खार। हाँ, और एक पाव लस्सी ले लें, ज्यादा भी नहीं, पाव हो गई, आधा किलो से ज्यादा ना करना, आधा किलो कर लो, आधा किलो वो कर लें, और एक एक तोला ये दोनों चीजें, जौ खार और कलमी छोरा, फिर ये पिला दें उसको, पिलाएं और थोड़ी देर बाद फिर देखते हैं इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए मेरा नंबर लिख लें, 0333-5121-879। ये नमाज के बाद में मैं खोला रखूंगा, मैं जो नमाज पढ़ लेने दे, ठीक है? और फिर अल्लाह करेगा इंशाल्लाह उस वक्त तक वैसे ही ठीक हो जाएगा। और एक इसको दर्द भी हो जाता है, वो टांगे वांगे तो नहीं मार रहा? नहीं नहीं, वैसे कोई मसला नहीं है दर्द का, इजी खड़ा है। अगर जब ज्यादा ये पिलाओ बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आयोसिन कंपाउंड का इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है अगर दर्द हो जाए। आयोसिन भी लगाया था। हाँ, बस ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह फजल करेगा, ठीक है? हाँ, मुझे बताना जरूर है, मुझे बताना, मैं उस नंबर पे वो नंबर मैं इमरजेंसी के लिए रखता हूँ खुला, और साइलेंट पे रख देता हूँ जब या सोऊं तो फिर मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, अभी मैं नमाज पढ़ने लगा हूँ तो आपके लिए, ठीक है? और रोजाना 11 बजे से 1 बजे तक मैं नॉर्मल हालत में वो कॉल्स लेता हूँ, ठीक है? चलो इंशाल्लाह आगे से इसी टाइम पे ना रास्ता करेंगे। ओके इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।